दोस्तों आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं बिहार के अंदर लगभग 8 साल बाद STT यानी कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है। काफ़ी लंबे समय बाद हो रहा है और इतने साल बाद हो रहा है, कई अभ्यर्थियों कई सारी मांगें जिनकी अनदेखी सरकार कर रही है। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको लेकर अभ्यर्थी की मांग सरकार से, साथ ही शिक्षा विभाग से भी है, जिसको लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही अपनी मांग को मनवाने के लिए सचिवालय में ज्ञापन या मांग पत्र भी दे रहे हैं और इनकी मांग जायज़ भी है, क्योंकि सरकार हर साल शिक्षक बहाली के लिए STT का आयोजन नहीं करती है। पिछली बार 2011 में किया था, इस बार 2019 में कर रही है। लगभग 8 साल का बीच में गैप है। इस दरमियान कई अभ्यर्थियों की उम्र बढ़ गई, कई अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला, या हम कहीं कहें कि अगर मौका मिला भी तो कई अभ्यर्थी किसी चीज़ के वजह से पीछे छूट रहे हैं। तो क्या ऐसी बातें हैं जिसको लेकर शिक्षा विभाग को थोड़ा बहुत पहल करना चाहिए और अभ्यर्थियों के हित को ध्यान रखते हुए इन सभी पॉइंट पे काम करना चाहिए, जिससे कि उनको भी बिहार में STT में भाग लेने का मौका मिले। तो आइए बताते हैं क्या ऐसे कुछ पॉइंट्स जिसको लेकर बिहार में अभ्यर्थी आए दिन धरना प्रदर्शन की मांगे मनवाने के लिए सरकार से आग्रह कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं। दोस्तों आपको पता है कि सबसे बड़ा पॉइंट आप देखेंगे एज रिलैक्सेशन अप टू 10 ईयर्स। दोस्तों आपको पता है कि जो उम्र सीमा है इस बार 37 साल मैक्सिमम रखी गई है सामान्य जाति के लिए। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जिन्होंने 2011 में STT दिया था, उनके समय जिनकी उम्र 30 साल होगी या 32 साल होगी, क्या उनकी उम्र अगर हम 10 साल और जोड़े 8 साल तो उनकी उम्र 40 प्लस तो ऐसी क्रॉस कर रही है। दूसरी बात, आपने 2011 में भी मैक्सिमम उम्र में 45 साल तक के लिए छूट दिया था, यानी कि जो लोग ट्रेंड थे वो 45 साल तक आवेदन कर सकते थे। आप BTET का एग्ज़ाम लेते हैं, वहाँ भी मैक्सिमम एज आप मेरी रिलैक्सेशन देते हैं अप टू 45 ईयर्स तक, या आप बिहार शिक्षक बहाली कर रहे प्राथमिक स्तर, वहाँ भी 45 ईयर तक छूट देते हैं। तो ऐसी क्या ज़रूरत है जो कि आप यहाँ पर इनकी 37 साल ही रखी है? आपको यहाँ भी कम से कम 10 साल तक की छूट देनी चाहिए, जिससे कि बिहार के अभ्यर्थियों इसका लाभ मिल सके, क्योंकि ये आपके अभ्यर्थी हैं, आपके ही बच्चे हैं, और इनको अगर आप नहीं देखेंगे तो इनको कौन देखेगा? किनके पास अपनी दरखास्त लेके जाएंगे, किन से अपनी गुहार लगाएंगे कि हमें मौका दिया जाए? क्योंकि इनमें इनका कोई दोष नहीं है, दोष सारा सिस्टम का है। क्योंकि अगर वो लगातार एग्ज़ाम कंडक्ट करती है STT का, हर 2 साल पर भी करती, तो कहीं कहीं इनको मौका मिलता बैठने का। लेकिन आपने हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया, आप एक बार एग्ज़ाम लेते हैं 2011 में, फिर उसके बाद सीधा 2019 में लेते हैं, तो इतने बड़े गैप में जाहिर सी बात है इनकी उम्र तो निकलेगी ना। और इन लोगों की मांग बिल्कुल जायज है, कम से कम सरकार को इस बात के लिए ध्यान देना चाहिए और उम्र सीमा में कम से कम 10 साल तक की छूट दे देना चाहिए। हालांकि इस बात को लेकर सचिवालय में ज्ञापन दिया जा चुका है प्रधान सचिव को भी और आपके शिक्षा मंत्री को भी, देखते हैं वो क्या कुछ करते हैं इस मुद्दे पर। अगला पॉइंट है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैथ साइंस एंड आर्ट्स। आपको पता है कि विषय बाध्यता सरकार को फ्री कर देना चाहिए, जो अभ्यर्थी सब्सिडरी हो, ऑनर्स हो, किसी सब्जेक्ट हो फ्रीली अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि आपका यही सब्जेक्ट हो तो आपने इसी को लेके पढ़ाओ। इससे क्या होता है कि हजारों हजारों संख्या के अभ्यर्थी को आवेदन करने का मौका नहीं मिल रहा है, जो कि गलत है। आप सबको मौका भरने का दो, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसने पढ़ाई की है, जिसमें योग्यता होगी, वो परीक्षा पास करेगा, और जो परीक्षा पास करेगा वो अपनी नौकरी लेगा। इसमें सरकार का क्या कुछ जा रहा है? आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, आर्ट्स में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी कंपलसरी कर दिया, जिससे कई अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। मैथ्स में भी ऐसा हल कर रखा है आपने, और साइंस में या कुछ आपका ऐसा ही हाल आपने कर रखा है। तो इन सब बात को लेकर सरकार को एक बार सोचना चाहिए। हालांकि इस पर एक टीम गठित की गई है सुनने में आ रहा है, हो सकती है टीम उस पर निर्णय लेगी। हालांकि निर्णय क्या लेगी वो, क्योंकि अभ्यर्थियों की मांग पे सरकार को कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा। आए दिन अभ्यर्थी अपनी मांगों को सड़क पर धरना देते, प्रदर्शन करते हैं, सरकार के आग्रह करते हैं कि हमें इन सब बातों को ध्यान रखकर इनमें संशोधन किया जाए। और आप 8 साल बाद STT की परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं, तो आपको सभी को मौका देना चाहिए, सभी को मौका, इन द सेंस कि आपको विषय बाध्यता की नाम की चीज़ हटा देनी चाहिए। जो सब्सिडरी से आवेदन करना चाहे कर सकता है, कोई ऑनर से करना चाहे कर सकता है, मतलब जिसको जिस हिसाब से फॉर्म फिल करना चाहे कर सकता है। हाँ, अगर आपको एग्जाम लेना है, आप एग्जाम बेसिक से उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछे और ये बाकी मैथ साइंस का पूछे, आर्ट्स का पूछे, क्वेश्चन आप कहीं से पूछिए अपने टाइप से, लेकिन उनको कम से कम फॉर्म फिल करने का मौका दीजिए, उनके ये रिस्ट्रिक्शंस आप हटा दीजिए। मैं ही सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, हालांकि इस पर अभ्यर्थी काम कर रहे हैं और हो सकता है कुछ इसमें गुंजाइश की संभावना हो। नो वैकेंसी और चांस फॉर आर्ट्स एंड कॉमर्स। दोस्तों आपको पता है कि इस वैकेंसी में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि STT 8 साल बाद हो रही है, तो यहाँ पे आर्ट्स और सहित कॉमर्स यानी वाणिज्य वाले अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया, जिसको लेकर वो धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो कहीं ना उनकी मांग जायज भी है, क्योंकि सरकार को ये लगता है कि खाली बिहार में साइंस वाले अभ्यर्थी ही नहीं है, इनके अलावा बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं वो
कॉमर्स भी पढ़ते हैं और आर्ट्स भी पढ़ते हैं, क्या उनके लिए शिक्षक बिहार में नहीं चाहिए? क्या उनकी शिक्षक की संख्या पर्याप्त संख्या में बिहार के अंदर है? असली बात तो ये कि सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम बहाली एसटीटी कर रहे हैं, नाम मात्र की कर रहे हैं। अगर इनकी पूरी बहाली निकाल दी जाए तो यहाँ का कम से कम 50-55 हज़ार के आसपास इनकी रिक्तियाँ आ जाएंगी। लेकिन सरकार को इतना कुछ लेना देना की बहाली से नहीं है, सरकार को बस एक प्रोपेगेंडा दिखाना है कि हमने शिक्षक बहाल कर दिए, हाई स्कूल में भी कर दिए और प्लस टू स्कूल में भी कर दिए। हालांकि कॉमर्स के अभ्यर्थी भी काफ़ी आंदोलन कर रहे हैं और मैं मानता हूँ कि इनका आंदोलन एक दिन रंग लाएगा और कहीं ना कहीं इनको भी शामिल किया जा सकता है। सेकेंडिंग आर्ट्स में कई सब्जेक्ट्स में इंक्लूड ही नहीं कर रखे हैं आपके, अब प्लस टू में आप देखेंगे तो खाली साइंस टोटल सब्जेक्ट हैं। तो क्वेश्चन सबसे बड़ा ये उठता है, क्या अभ्यर्थी बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं खाली साइंस ही पढ़ते हैं? मैं अपने गाँव के आसपास स्कूल देख के आऊँ, कहीं पर साइंस तो है ही नहीं, कॉमर्स और आर्ट्स है, तो क्या उन बच्चों को टीचर्स नहीं चाहिए स्कूल के अंदर? जिनको शिक्षक के पद एक एक स्कूल में 4-4 टीचर्स की जरूरत है। मैं एक दो स्कूल का आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, सोचिए पूरे बिहार में लगभग 1000 से ज़्यादा स्कूल प्लस टू होंगे, मैक्सिमम और भी हो सकते हैं, वहाँ पे टीचर संख्या बहुत कम है इन सब्जेक्ट्स के लिए। कि सरकार इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही है, सरकार उस पर अपना कॉग्निशन देना चाहिए, अपना ध्यान देना चाहिए और कहीं आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी शामिल करना चाहिए शिक्षक जो एसटीटी 2019 होने जा रहा है। शायद दोस्तों यहाँ पे एक बात है कि अपीयरिंग स्टूडेंट शुड बी गिवन ए चांस। दोस्तों जैसे कि पता है कि मगध यूनिवर्सिटी के चांसलर ने एक लेटर लिखा था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को डेट एक्सटेंड करने के लिए, जिसकी वजह से डेट 18 से बढ़कर 25 सितंबर तक हुई, क्योंकि उनका कहना है कि हम जो अपना रिजल्ट है वो 22-23 तारीख तक प्रकाशित कर देंगे। मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है और इसके लिए वो आमरण अनशन सहित धरने पर बैठे हुए मगध यूनिवर्सिटी के अंदर कि हमारा बीएड का रिजल्ट या फिर उनका जिस चीज़ का रिजल्ट पेंडिंग है उसको जल्द डिक्लेयर किया जाए ताकि हमें एसटीटी में आवेदन करने का मौका मिल सके, क्योंकि उनको इस बात का डर सता रहा है कि बिहार में 8 साल बाद एसटीटी का आयोजन होने जा रहा है और ऐसे में अगर हम इसमें मौका ना मिला तो हो सकता है हमें 10 साल तक और वेट करना पड़े। और क्या गारंटी बिहार सरकार की, क्या अगले साल एसटीटी निकाल देगी या उस 2 साल में निकाल देगी? मेरा मानना है 4 से 5 साल से पहले कभी निकालेगी नहीं एसटीटी एग्ज़ाम। तो जाहिर सी बात है जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं सभी को मौका दिया जाना चाहिए, चाहे वो अपीयरिंग ही क्यों ना हो। अगला पॉइंट है, इफ मैथिली कैन बी एडेड व्हाई नॉट अदर्स आर्ट्स एंड कॉमर्स। क्वेश्चन है कि आपने एसटीटी का फॉर्म लेने के बीच मैथिली के 105 सीट या मैथिली विषय को ऐड कर दिया, क्या महाशय आप आर्ट्स कॉमर्स को ऐड नहीं कर सकते? क्या उनकी रिक्तियां आप एक सिंपल सी शुद्धि पत्र ला के उसमें नहीं जोड़ सकते? बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपकी नीयत ठीक हो तो, और आप मुझे लगता है अगर ये अभ्यर्थी ऐसे मानेंगे नहीं और आपसे कहेंगे अपनी मेहनत और अपने आंदोलन की वजह से आपको इस कदर मजबूर करेंगे कि आपको इनके लिए भी काम करना होगा, चाहे कॉमर्स के हो चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, इनके विषय को भी शामिल करना होगा क्यों ना, क्योंकि या फिर इनको मौका देना होगा। रीज़न क्या है कि ये अभ्यर्थी भी इसी इंतजार में 8 साल से थे कि एसटीटी का आयोजन होगा और हम भी हाई स्कूल या प्लस टू में शिक्षक बनने का मौका मिलेगा, लेकिन आपने उनके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन ऐसा नहीं है, इनकी मेहनत रंग लाएगी और आपको इनको मौका देना पड़ेगा। अगला, वैकेंसी शुड बी इंक्रीज फॉर ऑल कैटेगरीज। दोस्तों अभी एक रिपोर्ट आई है कि मैं प्रारंभ की बात कर रहा हूँ कि लगभग बिहार यूपी में 4 लाख से अधिक टीचर्स से फर्त काले हैं, 3.5-4 लाख। हाई स्कूल में बहुत टीचर्स की शॉर्टेज है, कमी है, प्लस टू में टीचर्स की बहुत शॉर्टेज है। तो बिहार सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप दिखावा बस करते हैं बहाली का, ढिंढोरा पीटते हैं बहाली का। मेरे ख्याल से एसटीटी में और सीटों में इजाफा किया जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास पर्याप्त मात्रा में एसटीटी की सीटें हैं। ऊपर से अगर आप कॉमर्स की सीटें यहाँ पे ऐड कर देते हैं, आर्ट्स की कुछ विषय यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो इनसे सीटें बढ़ेंगी, इससे उन अभ्यर्थियों को लाभ होगा जो इस विषय से आते हैं। सरकार को इस मामले में संज्ञान लेकर इनके लिए काम करना चाहिए, वरना अभ्यर्थियों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि आए दिन वो धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने पर मजबूर हैं सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार की इस काम के कारण या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के रणनीति की नाकामी के कारण लोग इतना मजबूर हो गए कि अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। अगला पॉइंट है, आफ्टर 8 ईयर एसटीटी नो चांस बिफोर 5-6 ईयर्स गोल्डन चांस फॉर ऑल। दोस्तों मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि 8 साल बाद ये एसटीटी की वैकेंसी आई है और इसके बाद कम से कम मैं ऐसा सोचता हूँ 4-5 साल से पहले वैकेंसी नहीं आएगी। आपके यहाँ गोल्डन चांस लगा है, आप जी जान से पूरी मेहनत करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि सिंगल एग्ज़ाम है, आपको एक एग्ज़ाम पास करना है। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप बिहार में शिक्षक बन जाएंगे, इसके बाद आपसे कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी, एक एग्ज़ाम है और इसी एग्ज़ाम में मेरिट बनाई जाएगी। तो
आप जितना हो सके अपनी तरफ से मेहनत कीजिए और अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा कैसे आपको तैयारी करनी है, सिलेबस भी बता दूंगा, साथ ही आपको टिप्स भी देता रहूंगा कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एसटीटी 2019 एंड हाउ यू हैव टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन विदाउट कोचिंग। तो आप सब पॉइंट्स ध्यान रखें। हालांकि शिक्षा विभाग इस पर कमेटी गठित करेगी और कमेटी निर्णय लेगी कि क्या क्या शामिल करना है, क्या क्या शामिल नहीं करना है। लेकिन मुझे ये जितने पॉइंट आप यहाँ देख रहे हैं, मुझे सारे पॉइंट जायज लगते हैं अभ्यर्थियों की, क्योंकि हर अभ्यर्थी किसी न किसी समस्या से परेशान है, चाहे उम्र को लेकर हो या विषय बाध्यता को लेकर हो या फिर अपियरिंग को लेकर हो या किसी और मुद्दे को लेकर हो। उन सब के मामलों पर संज्ञान देना चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार को ये समझ नहीं आता कि हमारे बच्चे, हमारे राज्य के बच्चे, इन्होंने हमें चुना है, क्या हम इनके लिए इतना सा काम नहीं कर सकते। हो सकता है कि अभ्यर्थी जिस तरीके से अपनी मांग को लेकर आए दिन काम करें, उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और कहीं ना कहीं बिहार सरकार उनके लिए कुछ ना कुछ अवश्य इसमें संशोधन करेगी या उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छे काम जरूर करेगी, ऐसी अपेक्षा बिहार सरकार से करते हैं। साथ ही हम इन तमाम अभ्यर्थी से कहते हैं कि आप जैसे मेहनत कर रहे हैं, अपना काम करते रहिए और लगातार सरकार पर दबाव बनाते रहिए इस चीज़ को लेकर। हो सकता है कि आपको भी खुशखबरी मिल सकती है एसटीटी 2019 के अंदर। और रही बात इसके एग्ज़ाम 7 नवंबर को, तो मुझे लगता है कि इसके एग्ज़ाम में भी इसका एग्ज़ाम भी एक्सटेंड होगा। हो सकता है ये एग्ज़ाम आपका दिसंबर में लिया जाए, क्योंकि डिपेंड करता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स एसटीटी के अंदर है तो 7 नंबर का एग्ज़ाम ले पाना पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा। हालांकि मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि 7 नंबर को नहीं लिया जाएगा, लिया भी जा सकता है 7 नवंबर को इसका एग्ज़ाम, लेकिन चांसेस है कि डेट पोस्टपोन भी हो सकता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार को इन सब मामलों पर काम करना चाहिए। और मैं सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूँ जो भी इस समस्या से पीड़ित है, वो इन सब मांगों के बिहार सरकार प्रधान सचिव आर के महाजन, शिक्षा मंत्री, और आप अगर आपका कोई पैरवी हो, कोई अप्रोच हो, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जी या फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष आनंद किशोर है, उनको ज्ञापन दीजिए और बोले सर क्या हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लें, क्या हमें आप शिक्षक बनने का मौका नहीं मिलेगा, क्या हमारी गलती है, क्या हमने कॉमर्स पढ़ाई सी लिए, क्या हमने आर्ट्स पढ़ाई सी लिए, क्या हमारी उम्र निकल गई, यही हमारी गलती थी, क्या हमारे बच्चे विषय नहीं सीखे, ये हमारी गलती थी। उनसे सवाल कीजिए आप और उनसे किस तरह शामिल किया जाए। जैसा आप अपना काम करें, मुझे उम्मीद है कि आपके काम को हर जगह तवज्जो मिल रही है, प्रिंट मीडिया भी आपके काम को सराह रहा है, अपने न्यूज़पेपर उसको आर्टिकल आपको छाप रहा है, गवर्नमेंट का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं आपकी इस समस्या को सरकार तक पहुँचाए। साथ ही और अभ्यर्थी कहना चाहता हूँ कि आप जो भी लगे आप हार ना माने, और आपके लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप मेहनत कीजिए और आपके मेहनत जो है इस सारे जो आपकी समस्या इस पे इसका निदान लेकर जरूर आएगी और आप सब अपने इस काम में सफल होंगे और सरकार को इस काम पे को करने के लिए मजबूर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ अपनी मेहनत करते रहिए और इस सब जो आपका प्लान जहाँ सब समस्या है इसको लेकर आप तमाम आला अधिकारी से मिलिए और ना माने फिर आगे रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक बसता आंदोलन का। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों सहमत होंगे। फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में इसी तरीके कुछ इन्फॉर्मेशन को लेकर। थैंक यू।